कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला मोर मुकुट गल वैजंती माला चरण नुपुरकाल राधे श्याम 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 राधे चरण नुपुरकाल राधे श्याम श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे सुंदर वदन कमल दल लोचन बांकी चितवन हारी कमल दल लोचन बांकी चितवन हारी सुंदर वदन कमल दल लोचन बांकी चितवन हारी सुंदर वदन कमल दल लोचन बांकी चितवन हारी मोहन वंशी हारी राधे श्याम 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 राधे मोहन वंशी बिहारी राधे श्याम श्याम राधे मन मन सुखकारी राधे श्याम 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 राधे वृंदावन में धेनु चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में वृंदावन में गैया चरावे गोपी जन मन हारी वृंदावन में गैयावे गोपी जन मन हारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी
श्री राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी राधा कृष्ण मिले अब दो गौर रूप अवतारी कीर्तन धर्म प्रचारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे श्याम श्यामा श्याम राधे ब्रज जन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे तुम बिना मेरे और ना कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तुम बिना मेरे और न कोई नाम रूप अवतारी तुम बिना चरणन में बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे चरणन में राधे नारायण बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम राधे राधे गजन मन सुखकारी राधे श्याम श्यामा श्याम जय राधे 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 जय 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 राधे 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 जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे रामा राम रामा हरे हरे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल 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 गौर प्रेमानंदे हरी हरी
बहुत सुंदर कीर्तन किया सचिन प्रभु ने। गुरु जी के आश्रित जन और गुरु जी के संपर्क में जो भी भक्त लोग हैं उनको बहुत प्रिय कीर्तन है ये सचिन प्रभु का। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव के द्वारा रचित और भक्तों को जो प्रिय कीर्तन है वो कीर्तन का श्रवण कराया। महाराज जी कहाँ है? महाराज जी कनेक्ट हो गए हमसे? आएंगे 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 सचिन। हाँ महाराज जी का कनेक्ट हुआ है। महाराज जी को जाकर के अनम्यूट कर दो, वहां पर जाकर के म्यूट हो गया। हरे कृष्णा महाराज जी। हरे कृष्णा कृष्णा महाराज। दंडवत प्रणाम महाराज। महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारा सौभाग्य है आज हमारे साथ ये गुरुदेव की मधुर स्मृतियों में हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्री नरसिंह महाराज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। हमारे महाराज जी भी श्रील गुरुदेव की तरह पहले पुलिस में थे, तो महाराज जी मुंबई पुलिस में थे और मुंबई पुलिस में रहते हुए वे इस्कॉन से आकर्षित हुए और उन्होंने इस्कॉन जुहू जो है उसको ज्वाइन किया और इस्कॉन में रहते हुए वहां वे श्रील गुरुदेव की कृपा से श्रील गुरुदेव के संपर्क में आए और श्रील गुरुदेव से आकर्षित होकर के श्रील गुरुदेव के चरणों को आश्रय किया और बाद में श्रील भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी माधव महाराज जी के द्वारा उनको संन्यास भी प्राप्त हुआ। तो आज हमारे बीच में महाराज जी हैं। महाराज जी से हम प्रार्थना करेंगे कि महाराज जी किस प्रकार से आप संक्षेप में इस्कॉन के संपर्क में आए और गुरुदेव के किन बातों को किन लक्षणों को किन गुणों से आकर्षित होके किस प्रकार आप गुरुदेव के चरणों में आश्रय लिया और फिर आपने जो सेवाएं की और आपकी जो स्मृतियां हैं श्रील गुरुदेव के साथ, कृपया उन्हें हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हरे कृष्ण। बोले आरंभ करें? हाँ, हमारा शुरू करिए। हरे कृष्ण। तुम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शताकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणस्तम शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं मदीय दीक्षा गुरुदेव शिक्षा गुरुदेव नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज नित्यला पृष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंतपुर श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। तत्पश्चात सर्वप्रथम आप लोग सभी जो मधुर स्मृतियां महाराज जी लोग इकट्ठा करके सभी लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो सभी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद है। तो ये आज मैं मेरा सौभाग्य है कि मैं इसी केशव जी गौड़ी मठ में बोल बैठ करके महाराज जी के साथ किस प्रकार मेरा भेंट हुआ, गुरु जी के साथ मेरा किस प्रकार भेंट हुआ, गुरु जी के साथ क्या क्या स्मृति है, मैं फिर से उनको करने की कोशिश प्रयास करूंगा। ऐसे महाराज जी का पहला दर्शन 1989 में बॉम्बे में गए थे। 90 में महाराज जी का कुछ हार्ट का प्रॉब्लम था तो
तो उस समय में महाराज जी वहां इस्कॉन के गेस्ट हाउस में रुके थे। हिंदुजा हॉस्पिटल में हार्ट चेकिंग ले जाना पड़ता था। हमारे एक रघुवीर प्रभु जी थे बॉम्बे वाले, सब आप जानते होंगे, तो वो हॉस्पिटल में महाराज जी को ले जाते थे। तो उस समय में मैं भी कुछ बॉम्बे इस्कॉन में था, महाराज जी गेस्ट हाउस से नीचे उतर के गाड़ी में बैठ करके हॉस्पिटल जा रही थी। तो हम लोग बाहर बस से कहीं संकीर्तन करके आ रहे थे, बोली नारायण महाराज मथुरा में रहते हैं, स्वामी महाराज के सन्यास गुरु, स्वामी महाराज को सन्यास देते समय वहां पर उन्होंने स्वयं पौरोहित्य कार्य किया, ये भी पुलिस में थे। तो ऐसे महाराज जी के बारे में थोड़ा सुना ही था, मैं भी नया नया, एक डेढ़ साल हुआ था मात्र, सवा साल हुआ था आकर। क्या हुआ मेरे फोटो बंद हो गया, मिट किया। हरे कृष्णा, महाराज जी का वीडियो बंद हो गया। वीडियो बंद हो गया ना महाराज, सचिन प्रभु महाराज जी का वीडियो ऑन करो। प्रभु जी वीडियो से उसका साउंड क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा महाराज जी का, इसलिए ऑफ किया। ऑफ हुआ है वो, साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम है, इसलिए ऑफ किया। आपके तरफ से ऑफ पॉइंट महाराज, आपके ना वो वीडियो के साथ अगर रखते हैं तो आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक होती है, टूटती है, तो इसलिए वीडियो को बंद किया है ताकि आपकी आवाज सब लोग सुनाई दे कोई बात नहीं अच्छे से कहिए महाराज कोई बात नहीं। हाँ, तो जिस समय में महाराज जी वहां पर गेस्ट हाउस से उतर करके हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में बैठ रहे थे, उसी समय मेरा पहला दर्शन महाराज जी के साथ में, मैं सामने जाकर, हम लोग बहुत सारे ब्रह्मचारी थे तो उनके जाकर के महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी के बारे में तो थोड़ा बहुत सुना था कि महाराज जी पुलिस में थे, स्वामी महाराज के बड़े, उनके संन्यास के बड़े केशव जी गौड़ी मथुरा में रहते हैं। हमने तब तक तो मथुरा को देखा भी नहीं था, इसलिए महाराज जी का ये पहला मुलाकात। उसके बाद में वहीं पर बॉम्बे में ही महाराज जी के साथ में, या तो मथुरा के एक फुलचंद जी थे, फुलचंद कशेरे, उनका बॉम्बे में ही बालकेश्वर में नीचे वहां पर बहुत 19वीं मंजिल में फ्लैट था, तो वहां महाराज जी को कीर्तन के लिए ले गए थे। महाराज जी के साथ में वहां पर कीर्तन में भी महाराज जी साथ ब्रह्मचारी हमारे इस्कॉन के कुछ 5-6 वहां पर महाराज के साथ कीर्तन भी गए थे। तो इस प्रकार महाराज जी का पहला दर्शन। फिर मैं एक और 6 महीना वहां रहा। उसके पश्चात महाराज जी कि सुना कि महाराज जी के पास कैसे जाना चाहिए, महाराज जी पुलिस में थे, मैं भी पुलिस में था, तो ऐसा अपने आप की स्वभाव लगा हुआ सुना कि स्वामी महाराज के भी संन्यास के देते समय साक्षात वहां पर पौरोहित्य का कार्य किया था। तो महाराज जी का पहला दर्शन करके ही मैं महाराज जी पर आकृष्ट हुआ, और वहां से किस प्रकार निकल के आ जाए, तो पहली बार ही मैं वहां से 91 के फरवरी के एंड में वहां से नवद्वीप परिक्रमा के लिए, मायापुर के लिए पहली परिक्रमा जो नवद्वीप के परिक्रमा तो उसमें चला गया। तो वहां से वापस मैं इस्कॉन से गया था, तो वापस मैं नहीं जाऊंगा बॉम्बे वापस, मैं तो मथुरा जाऊंगा। तो इस प्रकार वहां से निकल करके मैं मायापुर से एक दिन पहले इस्कॉन से भाग करके हम चैतन्य मठ में चले गए, और जहां चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था वहीं पर सची माता का और जगन्नाथ मिश्र का जो प्रथम जन्म होने के बाद में सची इसका महाप्रभु का, उनके यही हम लोग प्रसाद पाया था। उसके बाद में अभी हमको मथुरा जाना है, तो मेरे साथ में एक ब्रह्मचारी था प्रकाश नाम, तो मेरे पास तो ना पैसा है ना कुछ, मैं जाऊं तो ब्रह्मचारी वो जो था उसने महाराज जी को हम लोग वहां पर ब्लड दिया था, जिस समय इसको महाराज जी का रहा था न्यूज़ हॉस्पिटल, तो कुछ ब्रह्मचारी वहां ब्लड डोनेट किया था, उसमें एक प्रकाश था, तो बोला रहे महाराज जी हमको जानते हैं, हम लोग देखा है महाराज जी को चलो। तो उसी प्रकार हम लोग वहां से बोले अभी तो मथुरा जाना है, पहली बार मथुरा जा रहे, मथुरा तो देखा नहीं है, कैसे मथुरा जाए, ये यहां से सुना कि बीच में पुरी पड़ते हैं, तो पुरी में पहले चले गए। पुरी में चले गए तो हम लोग उठे, वहां पर उठे थे हम लोग, पहले हमको चैतन्य मठ से एड्रेस लिया था पुरुषोत्तम गौड़ी मठ, पुरुषोत्तम मठ का जो हरिदास ठाकुर की समाधि के बगल में है, हम गलती से उठे चटक पर्वत में पुरुषोत्तम मठ में, पुरुषोत्तम गौड़ी मठ। उसके बाद पता चला कि यहाँ पर नारायण महाजी का मठ है, तो नीलाचल गौड़ी मठ, तो नीलाचल गौड़ी मठ में हमारे भाई नंदनंद प्रभु चार, तो वहां से उन्होंने कहा कि यहाँ पर अच्छा अच्छा आए हैं, बोले ठीक है अभी आप तुरंत मत जाना मथुरा में, अभी कुछ दिन यहाँ रहना। तो मैं 6 महीना नीलाचल गौड़ी मठ में रहा, फिर बंगला सीखा, महाराज जी के बारे में सुना कि महाराज जी कैसे सबको संचालित करते हैं, परिक्रमा में कैसे आते हैं। अभी तो मेरा पहला दर्शन सिर्फ दर्शन ही हुआ था बॉम्बे में,
क्योंकि वहां पर आके सुना, फिर सुना कि मुझे नंदनपुर ने कहा कि मैं क्या करना चाहूँ, मैं देखो मुझे इतने भक्ति करने के लिए आया, मुझे ऐसी जगह भेजना जहाँ पर मेरा भक्ति में उन्नति हो, तो मथुरा जाओ। इसके लिए मैं नंदनपुर को मेरा गुरु मानता हूँ, शिक्षा गुरु, उन्होंने मुझे महाराज जी के पास यहाँ पर भेजा पुरी से। पुरी में से 91 के मार्च में गया था, 91 के ही कार्तिक में मैं पुरी से सीधा मथुरा मठ में आया था। मथुरा मठ में आया तो उसमें कार्तिक परिक्रमा चल रही थी, 15 दिन पूरे हो चुके थे महाराज जी यहाँ से वृंदावन में कार्तिक परिक्रमा चल रही थी। तो यहाँ पर चल रहे महाराज जी, तो वहां वृंदावन में गए हैं, तो मैं वृंदावन में फिर महाराज के साथ पहले कार्तिक 91 का कार्तिक में 15 दिन की परिक्रमा महाराज के साथ की थी वृंदावन में। फिर प्रेमानपुर अगर वो सब परिक्रमा थी, तीर्थमा शुभानपुर प्रेमानपुर और बाकी सब थे नवीनपुर सब, तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कुछ लोग बोले नहीं इसको मथुरा ले लो, प्रेमानपुर नहीं नहीं इसको कुछ दिन यहाँ रह दे। तो फिर मैं और 6 महीना वहीं पर रहा वृंदावन रूप सनातन गौड़िया मठ में। फिर उसके बाद में मुझे 92 के होली के समय में मुझे नवदीप भेजा गया, और वहां से 92 के होली के समय में गुरुजी के साथ, क्योंकि उस समय महाराज जी किसी ब्रह्मचारी को मटवाचु की दीक्षा नहीं देते, इसलिए हमारे प्रेमानपुर बन महाराज और जितने भी सब तीर्थ महाराज माधव महाराज सब हम लोग कुछ भक्ति वेदन बामन को समय तो हमको वहां भेज के स्वयं महाराज जी ने भेजा, महाराज जी भी जाते थे। हम लोग जितना भी बार में जिस समय नवदीप गया, परिक्रमा के पहले 2 दिन परिक्रमा समाप्त होती, दूसरे दिन रिटर्न टिकट, हमको पता ही नहीं पड़ता था अगल बगल में क्या है। परिक्रमा साथ में सब समय महाराज जी के सब समय महाराज लीडिंग करते थे, और हम साथ सब समय कीर्तन के साथ में महाराज जी कीर्तन टोली में रहता था सबसे आगे हमारे सामने। मेरी मंत्र दीक्षा और दीक्षा वही सब वही पर 92 में हुई। ये हमारे गुरु जी का पहला दर्शन नवदीप में, ये दोनों गुरुवर्गों की शताब्दी चल रहे है, इसमें दोनों गुरुवर्गों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। उसके ऊपर क्योंकि हमारे गौड़ी वेदन समिति एक थी, पूज्यवाद नारायण गोस्वामी महाराज यहाँ मथुरा मठ के इंचार्ज थे और हमारे गौड़ी वेदन समिति के वाइस प्रेसिडेंट थे, इसलिए गुरु जी की उनकी कितनी मित्रता थी। तो हम लोग साथ में देखते थे, परिक्रमा में जाते थे, तो लगभग हम लोग हर साल 1-2 साल छोड़ करके मुझे जाना पड़ता था। तो जब महाराज जी ने यहाँ पर मथुरा में आए, तो मुझे दीक्षा देने के बाद मुझे वृंदावन से मथुरा बुला लिया। 92 के कार्तिक के बाद में मथुरा में बुला लिया, 92 का कार्तिक में वृंदावन में था, वहीं से कार्तिक प्रेम की, और उसके बाद में मथुरा में आया। मुझे पक्का पता है जिस समय में महाराज जी यहाँ पर मथुरा में कथा करते थे, थोड़ा ठंडी गर्मी होती थी, महाराज जी ज्यादा गर्मी होने पूरी जाते थे, तो दिसंबर में मथुरा मठ में मैं महाराज जी ने पूजा में लगा दिया, तू पूजा करो, क्योंकि महाराज जो भी नए ब्रह्मचारी आते थे उसको अवश्य पूजा लगाते थे। तो पूजा में पुजारी मैं एक साल तक किया, उस समय परमेश्वरपुर राधारमन प्रभु यहाँ पुजारी थे, मेरे सामने मैं निकल गया, फिर परमेश्वर राधारमन को गुस्सा किया उनके साथ ही। तो मैं यहाँ पर मथुरा मठ में 1 साल पूजा भी किया, महाराज जी सबको जरा भिक्षा में भेजते थे, महाराज यहाँ पर महाराज के साथ भिक्षा में भेजते थे। महाराज 94 में यहाँ से पुरी गए, तो पुंडरीक प्रभु उस समय नए नए आए थे, हरिप्रिया प्रभु पुंडरीक प्रभु, तो मुझे जगन्नाथ पुरी ले गए थे। हम वहां मठ में रहते थे, महाराज सिंगानी के बंगला में रहते थे, तो वहां पर महाराज जी बिंदु किरण कना माधुरी कादंबनी, इसको 3 ग्रंथ प्रकाशित किए थे। तो माधुरी कादंबनी मेरे हाथ से कुछ पेजेस लिखे हैं, महाराज जी नवीन प्रभु और मैं हम लिखते थे महाराज जी वहां पर, दोपहर में रोज महाराज जी के पास मैं जाता था। तो महाराज जी फिर यहाँ पर आए, तो महाराज जी अपने घर की किताबों की बड़े महाराज जी मेरे महाराज जी की अलमारी, महाराज जी का टेबल, महाराज तो महाराज जी ने मुझे पहले कहा कि मेरे अलमारी का किताबें ठीक करो, और किताबें ठीक करने के लिए उनके बोले मेरे जो अलमारी में जो ऐसे ग्रंथ लगे हैं वैसे के वैसे रहने चाहिए। महाराज जी बोले नहीं, लेखक के हिसाब से कहाँ से प्रकाशित हुई है, कौन टीकाकार है, कहाँ से प्रकाशित है, ये सब प्रकार के ग्रंथ में पूरा उन्हें लिस्ट बनवाया, फिर उसको मैं अल्फाबेटिकल बनवाया। उसी समय महाराज जी ने 94 में महाराज जी ने हमको बुलाया, तो आने वाला है 95-94 की बात है, हमको खुद अखिलेश जो खड़ीवाले का लड़का था आनंद मोहन, उसको और मुझे मथुरा में हिंदुस्तान होली गेट के अंदर में टाइपिंग भी सिखाया, हमको टाइपिंग क्लास के लिए भेजा, टाइपिंग क्लास में करा करके महाराज जी ने कंप्यूटर लिया है, सोमनाथ जी ने कंप्यूटर दिया था आपको बता, सोमनाथ जी ने कंप्यूटर दिया पहला कंप्यूटर दिया था, तो वो कंप्यूटर लेकर के वृंदावन में मठ में लाया नहीं, पहला वृंदावन में वो रमन रेती के पीछे इस्कॉन के पीछे की तरफ में वहां पर वो श्याम रानी दीदी रहती थी, उनकी 2-4 सेविका थी, वहां पर कंप्यूटर रखा था, वो शांति
शांति माता जी पता, शांति मेरी कंप्यूटर गुरु है, मुझे याद है उसने मुझे कंप्यूटर सिखाया। तो वहां पर ला करके मैं पहला ग्रंथ महाराज जी का सत्क्रिया सरा दीपिका कंपोज किया था। और उस कंपोज करने के बाद में महाराज जी ने मुझे वही सेवा, महाराज जी की लाइब्रेरी ठीक, महाराज जी का ग्रंथ का ठीक किया, महाराज जी के ग्रंथ कंपोज किए मैंने। उसमें हरिप्रिया भी थे, 94, 95, 96 में पहली बार महाराज जी विदेश चले गए, उसके पहले मैं पूरे गीता कंपोज की थी, गीता की टीका, सत्कार श्री दीपिका, उज्ज्वल नीलमणि, बहुत सारे ग्रंथ, मायावाद की जीवनी, भजन रहस्य, ये सब ग्रंथ में कंपोज महाराज जी कंपोज कर रहे थे। महाराज जी खुद करेक्शन करते थे अपने हाथों से, विदेश में रहते थे महाराज, 96 में जब विदेश गए कंप्यूटर भिजवा के स्पेशल डेस्कटॉप कंप्यूटर, और नीचे में जहां पर रहता हूँ पुंडरी खाजेपुरिया ने टेबल पर बाकायदा महाराज जी से उद्घाटन करवाया कंप्यूटर रूम का, ब्रिमी काटी महाराज जी ने आकर के वह कंप्यूटर रूम में। और उस समय पुंडरी का हरिप्रिया तो विदेश महाराज के साथ चले जाते थे, मुझे पूरा अमल कृष्ण उस समय नए नए आए थे, और मैं 96 से कंप्यूटर में करता था, 3-4 साल कंप्यूटर में पूरे ग्रंथ सब, 3-4 बाद में कंप्यूटर है प्रिंटर है सब चलाता था। फिर बाद में 96 में 97, 98 चला सब ये, तो महाराज जी का साथ साथ ये थे। 98 में मुझे 98, 99, 2000, 2001 महाराज जी विदेश में रहते, कंप्यूटर का पूरा काम, किताबों के मुझे बार खबर लेते, ये करो ये करना है ये करना है, इसको प्रिंट आउट निकाल के भेजना है, फाइल भेजना है, तो इस प्रकार वहां पर मुझे ग्रंथों में सब लगाना पड़ा। उसके बाद 2001 में दुर्वासा मठ ले लीजिए, उस समय स्टार्टिंग में 5-6 महीने दामोदर प्रभु हमारे थे मोटे राजस्थान वाले, उन्होंने कुछ काम किया उसके ऊपर, उसकी जिम्मेदारी पूरी कंस्ट्रक्शन मेरे ऊपर आ गई। तो दुर्वासा मठ स्थापन हुआ 2001 में, जब उद्घाटन होना था उसको स्टील लग गया, उसके कितना क्या क्या हुआ सब धीर कृष्ण जानते, कितना मारपीट हुआ उसके, वो बाधाएं कितनी आई। वो फिर हम वहां पर जाकर के वहां पर ठाकुर जी का दुर्वासा का राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का विग्रह का स्थापन। उसके बाद में 2004 में 2002 को ही गोवर्धन की जमीन ली गई, गोवर्धन मठ की जमीन लेकर के गोवर्धन का मठ स्टार्ट हुआ। तो वहां कोई दिखने वाला नहीं है, तो महाराज जी ने, मैं तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, थोड़ा हमारा आप पहले से कोई आया नहीं, तो दुर्वासा थोड़ा एक्सपीरियंस था, महाराज जी ने कहा कि ठीक है लोगों, दुर्वासा वहां पर हमारे एक ईट भट्टा वाले थे, वो होटल बनाते थे, बोले ठीक है इनके अंडर में आप, ये जानते हैं सब, इनके साथ में काम करना। तो इस प्रकार 2002, 2003, 2004 लगातार यहाँ से मैं मथुरा से जाकर के गोवर्धन मठ का कंस्ट्रक्शन देखता था। उसके साथ ही साथ यहाँ पर जिस समय दुर्वासा 2001 में स्थापना हुई, उसके पहले दुर्वासा में मारपीट हो गई, दुर्वासा का मंदिर में केस लग गया, यहाँ पर हमारे दामोदर पूर्वक गए तो उसके पहले यहाँ पर जो 9 दुकानें हैं मथुरा मठ की, तो 9 दुकानों पर महाराज ने केस करवा दी। वो दामोदर पूर्व तो चले गए यहाँ से छोड़ के, वो केस का जिम्मेदारी पर मेरे ऊपर आया, कोर्ट केस का, सब 8-9 कोर्ट केस, दुर्वासा का केस। उस प्रकार में सब जाके कोर्ट में केस लगता था महाराज जी, सब महाराज एक ही बात का ध्यान रखते, जब भी महाराज आते कोर्ट का क्या हुआ, वहां विदेश से मुझे ईमेल भेजते थे कोर्ट का केस का क्या हुआ, कब तारीख है, वो वकील का वकील पास, वकील साहब के पास जाना, वहां डेट लेना, महाराज जी बिल्कुल विदेश में जाकर मुझे हर बार में सब समय मेरे ध्यान रखते थे। और यहाँ पर आएंगे जब कोर्ट केस में आ गया, महाराज के पास आते ही मुझे जाके बताना पड़े, महाराज बोले बुलाओ उसको, आया कि नहीं, नवीन प्रभु बुलाओ, जाते ही महाराज प्रणाम करता, नवीन प्रभु के जिनको मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ पहले तो इस प्रकार मिठाई खिलाते। फिर यहाँ पर आकर के 2004 से जिस समय गोवर्धन मठ कंप्लीट हुआ, उस समय पहली हमारी गाड़ी थी एक, महाराज के पास पहली, देखो महाराज की क्या स्मृति है, आगे पीछे हो जाएगी कोई बात नहीं समझ लेना। तो महाराज जी 93-94 में वृंदावन में आप लोग ने देखा होगा रूप गोस्वामी का उत्सव चलता है, 94-95 की बात है, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, वो दूसरे की किसी गाड़ी महाराज जी को यहाँ पर छोड़ देते थे वृंदावन में। आते समय एक बार में क्या हुआ, हम लोग अभी नहीं है, 2-3 साल हुए हैं हमको तो पता नहीं है, तो महाराज जी बाहर रूपसना से बाहर आए तो ब्रह्मचारी आए, कोई बोले रिक्शा में नहीं बैठे महाराज जी, रिक्शा में नहीं बैठे, सीधा पैदल वृंदावन के बस स्टॉप में आ गए और बस में बैठ गए। हम भी महाराज के साथ बस में बैठ करके मथुरा आके मथुरा बस स्टैंड में उतरे थे। तो उसके पश्चात धीरे धीरे 96 में उसके पहले धीर कृष्ण भी आए, तो धीर कृष्ण की पुरानी मारुति 800 किया, वो नीचे मेरा हमारा मैं कमरा है नीचे कंप्यूटर रूम के पहले इस तरफ इस बिल्डिंग में पीछे मेरा कमरा, पीछे के नीचे वो गैरेज वहीं पर मारुति छोटी थी 800 वहां घुसाता था महाराज, वहीं पर गाड़ी घुसाती थी वहां। उसके बाद में
वो 800 खराब हुई, 1 साल चली होगी, खुद धीर कृष्ण खुद चलाते, उन्हें फिर लाए मारुति झेन, वो भी आपने देखी होगी मारुति झेन में फोटो है, तो मारुति झेन में चलाते, तो वो धीर कृष्ण फिर यहाँ से वो वृंदावन में चले गए, कार मेरे पास रहती थी, तो मारुति झेन चलाता था, तो मारुति झेन चलाने के बाद में पहले 1 साल तो मैं स्कूटर से गोवर्धन स्कूटर से जाता था कंस्ट्रक्शन देख लिया, स्कूटर में स्कूटर थी, वो स्कूटर की भी कहानी है। महाराज ने पहले बार जब स्कूटर के लिए, क्योंकि दुर्वासा काम चल रहा था, स्कूटर नहीं था, स्कूटर में जब बोले जाओ सोमनाथ जी स्कूटर देने वाले, सोमनाथ जी ने स्कूटर दिया था, अभी याद है मुझे, सोमनाथ जी के घर से मैं यहाँ से गया था शुभ कृष्ण को लेकर के, सोमनाथ जी के घर से पुरानी स्कूटर थी बजाज की, वहां से लाए मैंने स्कूटर लेके आया दिल्ली से और यहाँ पर चला, फिर धीर कृष्ण ने मुझे नया स्कूटर लेके दिया यहाँ पर, फिर उसके बाद में धीर कृष्ण ने जैन गाड़ी छोड़ दी, जैन गाड़ी के बाद में फिर टवेरा आ गए 2004 में, जब गोवर्धन मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बोले गाड़ी गाड़ी चाहिए, महाराज विदेश से सीधा आते थे गोवर्धन मंदिर में, सीधा आते थे क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां से टवेरा आई तो टवेरा गाड़ी में लेकर के मथुरा से प्रबंध जाओ नवदीप महाराज आएंगे, 7, 8, 9, 10, 2010 तक मैं मथुरा से गाड़ी लेकर के टवेरा गाड़ी लेकर के नवदीप जाता था महाराज जी के लिए, तो महाराज जी के नवदीप गाड़ी ले जाता था, तो महाराज जी बड़े खुश रहते थे गाड़ी लेके आए मेरा। तो एक बार फिर गाड़ी की बात याद आई 2009 में, ये तो टवेरा कितना साल पुराना होगी, 2004 की खड़ी थी, 2009 में 5 साल हो गए, तो बोले भाई ये गाड़ी पुरानी होगी महाराज नई गाड़ी चाहिए, तो महाराज के लिए नई गाड़ी इनोवा खरीदी महाराज 2009 में, इनोवा जो गाड़ी तो उसको खरीद करके मैं यहाँ से गुरुपुर में पहले खड़ा था महाराज जी एयरपोर्ट में आ गए, तो मैं यहाँ गाड़ी नई लेकर के महाराज जी को उतारने के लिए एयरपोर्ट में, महाराज लेने के लिए एयरपोर्ट में चला गया, तो एयरपोर्ट में चला गया तो सोमनाथ जी भी गाड़ी लेकर के पूनम और सोमनाथ जी गाड़ी लेकर, सोमनाथ जी क्योंकि महाराज जी आते थे, सोमनाथ जी खुद स्वयं गाड़ी ले चला करके एयरपोर्ट में लाते थे महाराज जी रिसीव करने, तो सबने बताया अंदर खबर पहुंच गई महाराज ना पुरंदर गाड़ी लेके आया है बाहर नई गाड़ी आपके लिए, तो महाराज जी बाहर सीधा आकर के जिस गेट से बाहर उसी गेट में मेरी गाड़ी खड़ी, सोमनाथ जी गाड़ी थी, तो महाराज जी जैसे बाहर आए आगे दरवाजा खोला मेरे गाड़ी में थोड़ा सा ऐसा बैठे और तुरंत उतर के सोमनाथ गाड़ी में लाए, कोई बात नहीं महाराज जी जिसको प्रसन्न है, मैं तो कुछ इसमें नहीं महाराज गाड़ी, मैं जब यहाँ रहता था मथुरा वृंदावन में तो महाराज जी की गाड़ी में ही चलाता था महाराज जी, जब मथुरा वृंदावन आएंगे तो गाड़ी यहाँ रहती थी तो उसी गाड़ी में बैठते थे, वृंदावन मथुरा जाना है गोवर्धन जाना है, तो इस प्रकार ये महाराज जी के साथ में, और महाराज जी की ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, महाराज जी यहाँ पर जब रहते थे यहाँ पर ग्रंथ का काम स्वयं करते थे, महाराज जी अंदर डिक्टेशन देते थे, मुझे कहते थे क्योंकि मैं कंप्यूटर का काम करता था, गाड़ी संभालता था, कोर्ट केस देखता था, बोले इसको तो बहुत काम है, इसको कोई काम नहीं, भिक्षा में जाता था तो द्विजयपुर को कहते कि वो भिक्षा में नहीं जाना, ये भिक्षा में नहीं जाएगा, मैं रिजर्व आदमी है, और मुझे कहते थे मुझे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जाना, मैं मुझे परमिशन लेके जाना जहां भी जाना, क्योंकि यहाँ पर रहते थे महाराज जी का, मुझे नाम महाराज जी को ऐसा नाम याद मेरे कभी याद नहीं रहता था, तो महाराज जी ने मेरा नाम लिख करके अपने हाथों से महाराज जी सिलाने के तरफ में अलमारी थी उसके अंदर लिख के रखा था, और जो लिख के रखा नीचे का लिखा नीचे, पहले तो महाराज नीचे ही रहते थे यहाँ, तो महाराज जी ने मेरा नाम अपने हाथों से लिख करके नहीं था, बोले पुरंदर धुरंदर कहाँ है, बुला उसको पुरंदर धुरंदर कहाँ है, और द्विजय प्रभु को बुलाते बोले जा पुरंदर को बुलाओ, माधव महाराज को बोलते थे नवीन प्रभु को बुलाओ पुरंदर को बुलाओ, मैं एक बार पीछे सुबह सुबह महाराज जी टहलने जाते थे या मथुरा में रहते अवश्य जुबली पार्क में हमारे वहां टहलने जाते थे, तो वहां पर पहले पहले तो माधव महाराज जाते थे टहलने, फिर पुंडरीका और हरिप्रिया आते थे वो हमारे गुरु जी, जहां कम पड़ेंगे वहां हम, पहले महाराज भी कहते थे हमारा रिजर्व आदमी है ये, तो बस बाद में एक बार माधव महाराज की तबियत खराब हो गई पुंडरीक इनको भी क्या कुछ हो गया पिलिया तो मेरा नंबर लगे महाराज मुंबई जाओ मुंबई जाओ, तब से मैं महाराज के साथ में जब टहलने जाते थे यहाँ पर महाराज साथ में मैं पार्क में जाता था, तो एक बार ऐसे बहुत पूछते थे प्रश्न कि महाराज जी आपके बाद आचार्य कौन पूछते थे, वे रोहिणी नंदन प्रभु और विदेशी भी पूछते थे, रोहिणी नंदन प्रभु विशेष करके जाते थे वो रोहिणी वाले, वो महाराज जी पार्क में जाते थे वहां जाते थे गोवर्धन में जाते थे वहां में टहलने के लिए हम महाराज जी के साथ जाते थे, तो बोलते महाराज आपके बाद आचार्य कौन है, तो महाराज जी बोलते थे बोले मुझे किसने आचार्य बनाया, वो अपने आप प्रकाशित होता है, इस प्रकार महाराज जी वहां पर पार्क में घूमने जाते थे, एक बार क्या हुआ
सब लोग जानते थे महाराज के ड्राइवर, उनमें गाड़ी चलाते थे महाराज चलाते थे। एक समय मुझे पक्का याद है, नया नहीं था, दो चार साल ही हुआ था, गाड़ी श्री कृष्ण की गाड़ी थी, झेन गाड़ी 96-97 की बात है, महाराज जी विदेश में, तो वहां पर मथुरा में एक जगह में गए थे, तो मैं गाड़ी महाराज जी उतर के गाड़ी साइड में खड़ी करके पीछे से आया, तो वो कुछ लोग वहां पर बोले महाराज जी आपका ड्राइवर है, महाराज जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। महाराज जी समझा नहीं, महाराज जी बोले आपका ड्राइवर है, महाराज जोर से खिलखिला के हंस रहे हैं, तो मैं कुछ समझा नहीं, मैं चुप बैठा रहा। बाद में मुझे पता चला क्यों हंसे हंस रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज जी के साथ में यहाँ से नवदीप जिसमें गाड़ी लेके जाते थे, 2005 की बात है, पुराना मठ छोड़ करके नया मठ में, अभी खाली 2004 में वहां से छोड़ दिया था महाराज जी होली के बाद में, 2004 की परिक्रमा हुई नहीं नवदीप की, हमारे महाराज जी छोड़ना पड़ा नवदीप देवानंद गौड़ी मठ, तुरंत प्रेमानपुर ने व्यवस्था करके नया मठ के लिए 2000 नया जगह लिया, अभी जहाँ नया मठ बनना है। तो पहले साल ही 2005 में पूरा पंडाल लगा था, तो मैं यहाँ से गाड़ी लेके गया था, मेरी गाड़ी पंडाल में खड़ी थी, और मैं महाराज जी जो नया पहले जो मठ खरीदने से पहले एक छोटी सी बिल्डिंग अभी जो है पहले की तरफ में, वहां महाराज जी वहां पंडाल में, तो पंडाल के बगल में बिल्डिंग में ऊपर में रहते थे, हम महाराज साथ ही रहते थे सुबह, माधो महाराज मैं और विजय प्रभु और एक दो सेवक रहते थे साथ में, और उसी बिल्डिंग में हम उसी में नीचे रहते थे, महाराज जरूरत पड़ते ऊपर नीचे करते रहते थे। तो मुझे याद है कि जिस समय में शाम को ऐसे मेरे पंडाल में गाड़ी खड़ी थी, हम स्टेज में खड़े थे, महाराज मैं स्टेज के ऊपर खड़े हैं, और वहां से मैं गाड़ी लेकर के कि महाराज जी के लाने के लिए पंडाल में गाड़ी लेकर के मैं महाराज जी का कुटी के पास में गाड़ी खड़ी कर दी। आधा घंटा भी नहीं हुआ, चोर की आंदोलन आई एकदम चोर की, और उस पंडाल धर धर करके गिर, और उसी समय में महाराज जी को मैं जाकर महाराज दौड़ के बोले महाराज जी ऊपर में आके छत में महाराज जी की छत के ऊपर ले गए हम। महाराज मैंने देखे सब पंडाल के लिए महाराज बारिश आंधी तूफान, महाराज जी ऊपर से शांत गंभीर होकर के ये देख रहे हैं। तो इस प्रकार महाराज जी के साथ में वहां पर 2005 साल तक मैं लगातार गाड़ी लेके गया था। तो ये लाइब्रेरी की सेवा, महाराज जी की यहाँ पर लाइब्रेरी की सेवा हम करते थे। तो महाराज जी ग्रंथ का काम विशेष कर देखिए, महाराज जी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, महाराज रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद में विजय प्रभु कहते हैं ये पुरंदर को देना। मुझे पता नहीं, मुझे पेपर पढ़ने का शौक था, तो महाराज जानते थे महाराज जी सामने महाराज जी घर में रहेंगे तो पेपर मेरे लिए स्पेशल भेजते थे, जाओ पुरंदर पेपर दे, वो जानते पढ़ता है। इस प्रकार पेपर के बाद में एक समय में क्या हुआ, यहाँ पर जन्माष्टमी, क्योंकि हम लोग जिस समय 92-93-93-94 के समय की बात है, तो यहाँ पर ज्यादा ब्रह्मचारी नहीं थे, 10-12-15 उसमें ये पुराने तो महमद कीर्तन महाराज, माधव महाराज, विजय प्रभु और सुधन्य प्रभु ये थे, और दो चार कृष्णदास और दो चार थे, 10-12 ही थे, और उसमें हम थे। तो महाराज जी क्या करते थे, जन्माष्टमी का यहाँ पर जन्माष्टमी निकलते थे, पूरा हाथी घोड़े ऊंट और पूरा दो दो पार्टी संकीर्तन, पूरा जन्माष्टमी, हर जन्माष्टमी महाराज जब तक 2010 तक हर जन्माष्टमी महाराज, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, राधाष्टमी और कार्तिक परिक्रमा, इसमें कभी नहीं चुका, इसमें बिल्कुल मथुरा में रहते थे। तो जन्माष्टमी का परमिशन लेने के लिए मुझे सब जाना पड़ता था, मुझे लिख के देते जन्माष्टमी का परमिशन ले आना मैजिस्ट्रेट से, ये सब करके SSP से परमिशन लाना पड़ता था। तो जन्माष्टमी का ब्रजमंडल परिक्रमा था 91 से, जिस समय में वो आदि परिक्रमा मिली उसके बाद में लगातार मैं हमारे साथ ब्रजमंडल परिक्रमा करता रहा, हमारे तीर्थ महाराज माधव महाराज सब रहते थे, तीर्थ महाराज साथ हमारा बड़ी दोस्ती था, हम लोग एक साथ में रहते थे, रसोई बनाना वो करना और उनके साथ परिक्रमा, तीर्थ महाराज साथ में लगा रहता था, तो महाराज बड़े खुश रहते थे। तो इस प्रकार ब्रजमंडल परिक्रमा की जो परमिशन होती उसको भी मुझे भेजते थे, जाओ गोवर्धन में जाओ, धर्मशाला के लेटर लिख के, खुद अपने हाथ से लिखे, मेरे पास अभी तक लेटर लिखे हुए महाराज जी। और बरसाना में हम लोग रुकते थे, गोवर्धन में रुकते थे, उसके बाद में वृंदावन में, वहां लास्ट में रुकते थे। वो बाद में तो विदेशी आने के बाद में तो वो सब करने लगे, उसके पहले 96 तक मैं खुद ही जाता था, महाराज जी खुद लेटर लिख के देते थे वहां परमिशन लेने के लिए। और महाराज जी ने कंप्यूटर की बात, तो सोमनाथपुर कंप्यूटर दिया, तो उसको लेकर के कंप्यूटर में पहले वृंदावन में था, वही पीछे विदेशी थी श्यामरानी के, उसके बाद में रूप सनातन में लाया, रूप सनातन से फिर मथुरा में लाया, मथुरा में ला करके वो नीचे वाले कमरे में, महाराज जी के कमरा ऊपर में, उसके ठीक नीचे वाले कमरे में वहां पर कंप्यूटर था, फिर पीछे उसके बाद में 6 महीने के बाद पीछे की तरफ जहां भी कंप्यूटर रूम है जहां पर पीछे था
उसके बाद में वो साइड वाली बिल्डिंग के फिर बाद में वहां गया, उसके पहले यहीं पर था। तो वहां ग्रंथों का काम जितना था वो सब महाराज जी खुद, मैं देखता था महाराज जी आप इतने लिखते हैं, खुद डिक्टेशन देते हैं, परमेश्वर को आदमी बिठाते थे वो और उनको डिक्टेशन देते, मुझे डिक्टेशन नहीं लेना पड़ता क्योंकि मैं कंप्यूटर कंपोज करता था, मैं उसमें ग्रंथ पढ़ता था कंप्यूटर में सब करता था। तो इसलिए ये सब काम महाराज जी की कृपा से, महाराज जी के साथ में रह करके हमको उनका संग करने का, हम गुरु जी के साथ ज्यादा संग हुआ ही क्योंकि हम लोग महाराज जी के साथ मथुरा में रहते थे, तो महाराज जी सब एक ही सोसाइटी थे, तो इसके लिए महाराज के साथ रहने का, सब कुछ देखने का, महाराज जी यहाँ पर सब ब्राह्मण पंडित को बुला करके कहा कि मुझे आशीर्वाद दो। तो हम लोग यहाँ पर उसके बाद में 97 में महाराज का ऊपर का 96 नीचे का कमरा था विदेश गए, उसके बाद में महाराज जी का ऊपर का कमरा बना, जो महाराज जी का ऊपर कमरा है वो धीर कृष्ण ने बनवाया था। और उसी में तीर्थ महाराज हम लोग आए, महाराज जी को बोले गृह प्रवेश कराओ, महाराज जी के ऊपर फूल छिड़का करके हम लोग आशीर्वाद से महाराज जी गृह प्रवेश कराया। तो इस प्रकार ये सब महाराज जी ने जो सब ये सब किया वो महाराज जी कोर्ट केस के लिए मुझे बड़े ही करते थे। 96 में पहली बार विदेश में गए, उसके पहले यहाँ पर दुकानों के ऊपर केस चल रहा थे, तो इसका इसके लिए केस के लिए कुछ पावर अपने जरूरत थे, पहले तो माधव महाराज के माधव विदेश में जाने लगे, तो 98 में मेरे नाम पावर अर्पण करा दी महाराज गुरु जी, महाराज जी सब लोग जो गौरीदान समिति के सदस्य थे उन्होंने सब मिलकर के मेरे नाम पर पावर अर्पण करा दी थी। और ये सब वृंदावन से जब मथुरा आया तो सबसे पहले भागवत पत्रिका चालू, पहली बार जब वृंदावन से मथुरा आया तो भागवत पत्रिका बंद थी यहाँ, भागवत पत्रिका क्योंकि महाराज जी बीच में तबियत ठीक नहीं, आप करने वाला तो कोई नहीं था, तो इसलिए महाराज जी ने जब हम आए तो पुंडरीक आए, हरिप्रिया आए, तो बोले भागवत पत्रिका चालू करो, फिर रामल कृष्ण आए थे तो बोले ठीक है भागवत पत्रिका। 96 में हम लोग ने रजिस्ट्रेशन करा करके उसका ये करा करके भागवत पत्रिका हमने चालू की। भागवत पत्रिका मैंने 3 साल तक लगातार 96, 97, 98 खुद ही मैं यहाँ पर कंपोज करता था, सिलेक्ट करके देता आर्टिकल, फिर प्रेस में लेकर प्रिंट करता था, फिर बाद में दिल्ली से होने लगी। तो इस प्रकार भागवत पत्रिका महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे पत्रिका देख करके। मथुरा मठ में द्वादशी भिक्षा में मुझे जान भेजते थे महाराज, फिर बाद में बोले नहीं नहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं, द्वादशी भिक्षा में द्वादशी भिक्षा करने वाले बहुत है, तुम मेरा ग्रंथ का काम करना। यहाँ पर पहले तो जनरेटर नहीं था पीछे कमरे में, तो महाराज जी ने स्पेशल वो जनरेटर बोले नहीं तुम ग्रंथ का काम करना, जनरेटर चला के काम करना। तो पुंडित बोलता है भाई कमरे में एसी लगाओ, मैंने भाग हमको एसी की जरूरत नहीं क्योंकि वो जनरेटर चलाना पड़ेगा फिर रात में, क्योंकि यहाँ लाइट का बड़ा प्रॉब्लम था महाराज जी के लिए। हम महाराज जी यहाँ पर नीचे सोते थे कमरे के सामने, महाराज जी जब स्टार्टिंग में आया तो महाराज जी के कमरे के महाराज कमरे के सामने एक ही पंखा था, नाट्य मंदिर में भी जैसे मैं आया मैं दो ही पंखे, एक दो पंखे था, और बरामदा में तो पंखा ही नहीं था। मैं इधर नाट्य मंदिर का पंखा खराब हुआ तो मैं बरामदा में लगा दिया, और महाराज जी यहाँ नीचे सोते थे कमरे के सामने रात में, हमको पता है गर्मी के समय में महाराज जी यहाँ रहते थे तो हम लोग रात में लाइट नहीं रहती, तो हम लोग बाहर महाराज जी की वो पंखा अभी पुराना पंखा महाराज जी ऊपर वाले भजन कोटी में लगाए, तो वहां पर वो भजन कोटी में वहां पर पंखा था, तो महाराज जी नीचे रहते थे, हम लोग रात में जब भी उठते थे, मैं तो ज्यादा जाता नहीं था, बाकी दूसरे लोग सेवक थे तो महाराज चरण दबाते ये करते महाराज जी की मालिश करते, तो मैं साथ में रहता, महाराज जी मुझे कहता ये तुम भाई मेरा रिजर्व फोर्स आदमी है, मैं भी कहता महाराज जहाँ कम वहां हम, आपको कोई जाम लेगा नहीं वहीं पर हम है। एक बार क्या हुआ था, सुबह सुबह महाराज जी टहलने जाते थे, पहले पहले जब महाराज साथ नहीं जाता था तो महाराज जी जब नीचे रहते, महाराज ऊपर जाने के बाद में महाराज नीचे रहते थे, जरूर मंगल आरती में आते महाराज जब तक नीचे रहे, 96, 97 में ऊपर का कमरा बना उसके पीछे तब नीचे तक वहां नीचे वाले कमरे में महाराज रहते सामने वाले, तो महाराज जी मंगल आरती में आते थे, जो मंगल आरती के बाद थोड़ा जाकर के फिर बाकी सब थोक करके थोड़ा सा उजाला हो जाए फिर टहलने जाते, तो फिर वहां नीचे से आते थे, ऊपर भी रहते थे, ऊपर से भी नीचे उतरते आते, तो वहां सीढ़ी से बाहर आके नाट्य मंदिर झाके देखते थे कौन कीर्तन में बैठा है कौन नहीं है। तो हम क्या करते थे कभी कीर्तन में कभी कभी बैठता कभी कभी नहीं बैठता, मैं पीछे क्या करता था, पीछे मेरा कमरा रसोई घर के पीछे की तरफ महाराज कमरा था, महाराज जी का पहले बाथरूम भी महाराज जी का यहाँ महाराज नीचे वाले कमरे के बगल में अटैच बाथरूम था, वो बाद में बनाया कमरे में, पहले नहीं था ये महाराज जी का बाथरूम, पीछे जनरल में एक तरफ लिखा था महाराज जी का बाथरूम लैट्रिन, महाराज जी के अलग से था वो। तो वहां से महाराज जी सब सुबह सुबह टहल के आते थे, फिर आते देखते कौन कहाँ कीर्तन में कोई बैठा है कि नहीं, कौन सो रहा है। तो पीछे मैं 2-3 बार ऐसा हुआ कि महाराज जी पीछे देखने के लिए आते, तो मैं क्या करता था, मुझे ऐसा आदत था कि मैं पीछे बैठ करके ऐसा लेट करके कभी बैठ करके कुछ ना कुछ ग्रंथ पढ़ता रहता, मुझे सुबह शाम
पांच सात आठ घंटे जब तक नहीं पढ़ता मुझे नींद भी नहीं आती, तो मैं सुबह सुबह पढ़ता था। तो महाराज जी आकर के देखते थे क्या कर रहे हैं, कौन कहाँ सो रहा है, तो उसका कपड़ा खींचेंगे और खींच के उठाएंगे, क्या कर रहे हैं, कान पकड़ेंगे, लात मारेंगे। तो मैं जब पढ़ता था, मैं किताब बंद कर छोटे महाराज जी प्रणाम करता, क्या पढ़ रहे, ठीक पढ़ रहे, ठीक है। एक बार महाराज जी यहाँ पर आते में बैठते थे, तो एक बार झाड़ू महाराज जी स्वयं देते, झाड़ू गंदा पड़ा है, महाराज जी ने स्वयं झाड़ू उठा कर मारने के लिए चालू कर दिया, महाराज जी हाथ से झाड़ू लिए कभी महाराज जी हाथ में झाड़ू लेने के लिए महाराज जाए सामने जाएगा उसको मार पड़ी। तो वो नेता एक प्रभु थे हमारे, तो वो बड़े महाराज सर महाराज जी मालिश विलिश करते, तो महाराज जी दिल लगे करते थे, हम महाराज सर दिल लगे नहीं करता था, महाराज से हमें डरता नहीं था, महाराज जो महाराज जी बोलते थे उसके पहले महाराज जी हमको बड़ी प्रीति करते थे। जिस समय मैं बैठूंगा मुझे अच्छा था, महाराज जब भी यहाँ प्रवचन करेंगे महाराज जी के सामने बैठ करके प्रवचन सुनने का हमको मौका मिला। मैं माधव महाराज तीर्थ महाराज इनके बन महाराज सामने सामने बैठे, उनके बीच में मैं बैठता सामने उन, इसके लिए तो महाराज जी के सामने बैठ करके हमको सुनने का मौका मिला। लाखों जन्म तक ग्रंथ पढ़ के उसको उसका निष्कर्ष नहीं मिल सकता है, हमने महाराज जी के सामने बैठ करके उस सार ग्रंथ। मुझे एक अच्छी सी बात याद है, ये कार्तिक परिक्रमा चल रही थी, हम लोग बरसाने में थे, और उसी दिन मुझे मठ में आके 12 साल पूरे हुए, तो मेरा एकदम हृदय गदगद हो गया था। तो मैं महाराज जी को जा करके प्रणाम किया, महाराज जी मुझे आपके पास आकर के आज पूरे 12 साल पूरे हो गए, मेरे मतलब शब्द उच्चारण में गदगद हो रहा था। तो महाराज जी ने को कहा मैंने कि महाराज जी मुझे आपसे जो चीज प्राप्त हुई, मुझे और मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, मुझे जो आपसे सुनने करके मुझे जो चीज प्राप्त हुई है उसे मुझे कोई पद के प्रतिष्ठा की कोई लालच नहीं, ये मैं मेरी जिंदगी की निधि है। महाराज जी बड़ी खुश हुए, महाराज माधव महाराज बोले इसको माला पहना, तो इसको मुझे माला पहनाई। तो ये मथुरा मठ में महाराज जी वहां जिस समय में रहते थे, उसके बाद वो विदेश में जाने लगे, विदेश में जाते तब भी हम लोग बीच में फोन करते थे, फोन करके क्या कर रहा है उधर में, क्योंकि उस समय कोर्ट केस किताबें और मंदिर का कंस्ट्रक्शन गोवर्धन का कंस्ट्रक्शन उस समय हुआ था 2004 से लेकर 2002 से लेकर 2004 तक 3 साल तक कंस्ट्रक्शन चला गोवर्धन का। तो कंस्ट्रक्शन में कोर्ट केस में किताबों में मैं लगा रहता था, मुझे फुर्सत ही नहीं इधर उधर देखने की, मैं ग्रंथ में बैठता था कंप्यूटर में तो 10-12 घंटे बैठता था, वो सब जानते कि भाई इसीलिए तो ये पता नहीं मुझे, मैं तो महाराज जी ने ये सबको जो उपाधियां दी तो मुझे भी सेवा विग्रह पर हमारे प्रेमानंद प्रभु को सेवा रत्न परमेश्वर को सेवा ऐसा कुछ दिया, सेवा निकेतन और मुझे सेवा विग्रह विद्यालंकार भागवत भूषण और हम भक्ति चकोर हमारे बन महाराज को सब उपाधियां दिए थे। उसमें भी मुझे महाराज जी ने गुरु जी के साथ में जिस समय 2004 से पहले की बात है, गुरु जी सब गौड़ी विधान समिति थे हम लोग, तो उनके सबसे विचार विमर्श करके हमको ये उपाधियां महाराज जी ने दी थी। इसलिए जिस समय में गोवर्धन की विग्रह प्रतिष्ठा हुई 2004 में, तो गोवर्धन की विग्रह प्रतिष्ठा में मैं रात दिन लग करके वहां पर उस समय में नवीन नई टवेर गाड़ी है, हमने मुकुट वहां से महाराज जी सब पूरी बोले की बड़ी बात नहीं है, हमें धीर कृष्ण बोलते हैं भाई ये तो खजानजी है महाराज जी का, किंतु मैं कभी पैसे का महाराज जी ने इसलिए मैं उनकी कृपा से मैं बच गया क्योंकि इसके कौन मोह से बच सकता है। महाराज जी और माधव महाराज जानते हैं और तो किसी को कुछ पता नहीं, और मुझे पता है सब बातों की गोवर्धन मठ के लिए महाराज जी जितना पैसा लगता था वो महाराज जी मुझे 40-50 लाख 80 लाख दे जाते थे पैसा, बाकी तब बैंक के चेक मेरे पास साइन करके मेरे पास दे के जाते थे। तो किंतु उनकी कृपा से मेरे ऊपर ऐसा कोई मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं खुद कर रहा हूँ, मैं सोचता हूँ महाराज जी मेरे ऊपर में कोई चिंता नहीं, और महाराज जी का आदेश छोड़कर मैं कोई एक बात भी नहीं की, इसलिए मुझे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये उनकी कृपा है कि मैं बच गया, नहीं तो इसमें से कौन बच सकता है। तो ये सब जिसमें गोवर्धन का मठ बना महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, और महाराज जी के भक्तों के जब घर जाते थे एक दो बार मुझे भी नहीं जाते थे, महाराज जी अचानक मथुरा मठ से निकल के बोले इसके पास जाना है, तो किसी को बोलते बोले माधव महाराज को मत बोल चल तुम मेरे साथ। तो कभी कभी भक्तों के घर जाते, कभी गुप्ता जी घर, कभी डैम्पेयर में किसी घर में मुझे लेके जाते थे साथ में। इस प्रकार महाराज जी की बड़ी कृपा है, उनके अनुग्रह है, हम लोग क्या है, हम लोग उनके आदेश के अनुसार अभी तक मैं कार्य किया हूँ, उनके आदेश का है मैं माना, उनके आदेश इसलिए मुझे कोई बाधा नहीं है, अभी तक कोई बाधा नहीं मुझे, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ,
उनके चरणों में आके उन्हें ग्रहण किया, उन्होंने जिस सेवा में लगाया उसी सेवा में लगा और गुरु जी से वहां से देकर के दीक्षा देकर के उनके पास रहते। इसलिए महाराज जी कहते थे, अभी वही बन महाराज जी बोल रहे, देखा था हमें कि भाई देखो हम लोग महाराज जी डायरेक्ट शिष्य नहीं, हम लोग बन महाराज, माधव महाराज, मैं तीर्थ महाराज, वो सब हम लोग बावन पूज्यपाद बावन गोस्वामी महाराज शिष्य है। किंतु महाराज जी कहते थे कि हम उनसे, तुम पारकीय शिष्य हो जैसे हमारे श्रीधर महाराज को कहते थे, और तुम हमसे बिल्कुल श्रेष्ठ, तुमसे ज्यादा प्रीति करते हो। ये बोलने की बात नहीं है, हम बोलते भी नहीं है, ये तो हम लोग को सेवा करके महाराज जी की सेवा में अभी तक महाराज जी ने जो जो सेवा की, मठ मंदिर की कंस्ट्रक्शन की, कोर्ट की, अभी तक ये दुकान में सब खाली हो गया, अभी तक एक दुकान बाकी है। इसलिए जो कुछ सेवा महाराज जी ने दी, जो कुछ बोला, हम महाराज जी का आज्ञा का कभी आवेदन, तो उनकी कृपा है, हम तो कुछ नहीं जानते। मैं तो ये सीधा बोलता हूँ, जैसे भी है, जैसे भी वहां से हमको यहाँ पर आए, उनके साथ में इतना रहने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जो भी उनकी सब कृपा दृष्टि रहे, वो उनके आशीर्वाद से हमको सेवा में लगा दिए। और एक लास्ट की बात बोलता हूँ, पता नहीं क्या महाराज जी जिस समय 2010 में कार्तिक में जिस समय में लास्ट में दिल्ली से आना पड़ा, क्योंकि वृंदावन में आए नहीं, गोवर्धन में आए थे, तो वहां से एम्बुलेंस आई थी, तो मैं गाड़ी लेकर के वहां पर, क्योंकि रास्ता पता नहीं, तो मैं बम्बे की तरफ में खड़ा था वहां पर। तो महाराज जी आने के बाद में गोवर्धन में जब आए, तो उनको बड़े बाहर टीवी लगा दिया, बाहर में लोगों को दर्शन, अंदर में टीवी लगा दिया बड़ा वाला स्क्रीन में, महाराज जी बीच में बोलते थे, तो अंदर में महाराज जी की सेवा में रहते थे, माधव महाराज भी थे और सब लोग रहते थे। तो महाराज जी ने मुझे एक लास्ट में बात की, मैं क्योंकि हम लोग इसको भाई वीजा वीजा की जरूरत नहीं है, तो इसको जब कभी आ सकता है जा सकता है, हम लोग कोई बाधा नहीं थी। महाराज जिस समय अवस्था में हम लोग रात में दिन में जिस आते हुए प्रसाद पाते समय जब भी आया, तो हमारे खोल जैसे मैं दरवाजा खोलते दूजे माधुमा कोई हो तो मैं दिल्ली दरवाजा खोल देते थे, अंदर भी आते थे, महाराज जी नहा रहे हैं, नहाने के बाद आते कपड़ा बदलते, तो हम लोग अंदर जाते हैं, महाराज जी खाते हैं, तेल मालिश करते हैं, तो हम लोग साथ रहते। तो ऐसे गोवर्धन में महाराज जी जिस समय लास्ट समय था, तो मुझे कहा कि मुझे गाय का मूत्र चाहिए, मुझे महाराज जी ने भेजा, बोले ठीक है वहां से बिहार में चले आओ। तो महाराज जी के लिए चार पांच बॉटल लिया और मैं ला करके दिया महाराज जी के, बोलने के थोड़ा सा महाराज जी कष्ट होता, बोलते नहीं थे। तो फिर मैं बीच बीच में जाता था, सब लोग बाहर से दर्शन करते थे जिससे सब, तो मैं अंदर जाता था, तो महाराज जी आता था, मतलब प्रणाम करके साइड से आते। तो एक समय में जिसमें अंदर जा रहा था, तो हमारे कृष्ण के सिद्धांत जी महाराज बोले, बोले जाओ जाओ महाराज जी, तुम पुराने तुम्हारे साथ कुछ बोल लेंगे, महाराज बोल नहीं रहे थे किसी से, बोले जाओ जाओ तुम जाओ। तो महाराज जी को मैं ज्यादा क्या बोले, अभी क्या बीमार है, क्या बोलना है इसको। तो महाराज जी में जाके प्रणाम किया, खड़ा रहा, हंस, हम थोड़ा समय हंस दिया, तो उनके सामने ही बोला, पता नहीं सिद्धांत महाराज याद है कि नहीं, बोले हमारा पुरातन दास है, बोले पुरातन इतना शब्द बोला, और कुछ आगे मुझे बोला ही नहीं महाराज जी। मैं अभी तक सोच रहा था ये क्या बोला महाराज जी ने, जैसे भी है मैं तो सेवक हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं सेवक रहूंगा, सेवा करता रहूंगा, जन्म जन्मांतर आपकी सेवा करता रहूंगा, मुझे अभिमान है इसमें, दासत्व में कोई हमारा ये नहीं है। क्योंकि ये बात बोली महाराज जी ने, तो मैं इसको विचार करता रहा कि इसमें कोई बात होगी, ये बात का गुप्त रहस्य है, आप इसमें नहीं बोलूंगा मैं। तो ये महाराज जी की सब कृपा रही, ये सब लोग आप लोग देखा है महाराज जी की एक रत्न है, सब अपने अनुभव बोले। महाराज जी साथ रहते हुए ये सब मठ मंदिर की सेवा, किताबों की सेवा, महाराज जी विदेश का, महाराज जी एक बार और दुर्वासा में एक कोर्ट केस चल रहा था, उसमें वहां पर जाना पड़े, महाराज जी एक बार वो स्टे लग गया था दुर्वासा मंदिर, महाराज जी के पास में खुद डिस्ट्रिक्ट जज आए थे, महाराज जी ने उठा के चाबी बोले ले लो आप संभालो इसको, महाराज जी बड़े क्रोधित थे। उसी समय में बोले संभालो आप, जज के सामने चाबी फेंक दी महाराज जी, महाराज गंभीर हो गए, तो जज ने चाबी ले ली, मैंने महाराज जी तो आपको संभालना ही। तो मैं क्योंकि सब तेज लगा था, मुझे जाता था सब वकील का जाना ये करना, स्टे लग गया था एक महीने के अंदर में, जिस समय जून महीने में स्टे हट गया, और जून महीने के बाद में जिस समय जून महीने छुट्टी रहती है कोर्ट की, मई के लास्ट के साथ दो दिन में वो जजमेंट दिया था, और फिर जाकर के दुर्वासा की विग्रह प्रतिष्ठा बनी इसको करा दो। तो हमारे कपूर जी अभी याद आया, उनका कपूर जी हमारे साथ में जो हमारे राधाकांत जो है वकील, उनके पिताजी थे कपूर जी, वो हमारे साथ में थोड़े सहायता करते थे, तो वो जज के साथ बात किया, तो उन्होंने जाकर के बोले ठीक है, डायरेक्ट तो बोलते नहीं कुछ, तो उन्हें जाकर के जजमेंट ऐसा दिया कि आप विग्रह प्रतिष्ठा कर सकते। फिर हमने जाकर के वो चार पांच दिन के बाद ही, क्योंकि स्टे लगा था, स्टे हटते ही गांव वाले सब विरोध कर रहे थे, उसको जा करके मैं सब व्यवस्था करके रातों रात में जाकर के दुर्वासा की विग्रह बिठा दी,
वो धीर कृष्ण जानता है, धीर कृष्ण को पता था, प्रेमान सब प्रेमान पे यहाँ रहते, धीर कृष्ण वृंदावन से, वृंदावन से आए थे, वो सब ला करके रातों रात में हमने जून महीने में दुर्वासा को बिठा करके वो सब गांव में हल्ला हो गया, मारपीट हो गई, और सब हमारे दो तो ब्रह्मचर्य लग गया, मुझे भी लाठी पड़ गई। तो महाराज जी जो पताका पड़ गया तो महाराज विदेश में थे उस समय, महाराज बड़े खुश हुए, महाराज जी आने का मतलब तुमने मतलब लाखों करोड़ रुपए का प्रचार कर दिया, चिंता नहीं तो मस्त रहो। और उस समय महाराज ने एक और बात बोली थी मेरे लिए, मुझे बड़ी खुश हो गया मैं तो। उस समय गाँव वालों के साथ कुछ बात करने के महाराज जी गाँव वाले घर में बैठे, बहुत झगड़ा हुआ था, महाराज जी ने गाँव वालों को सब केस हुआ तो उनके 15-16 गाँव वाले जेल में चले गए। बाद में महाराज जी बोले इनको बाहर निकल, कोई बात नहीं, तो उनको पैसा दे के हमने बाहर जमानत करवा ली। तो महाराज जी बोले देखो ये मेरा प्रतिनिधि है, मुझे मैं गाड़ी में महाराज जी को लेके जाता दुर्वासा के, छोटी झेन थी वो झेन में गाड़ी में ले जाता था, तो महाराज जी बोले मेरा प्रतिनिधि है ये। तो मैं बड़ा खुश हुआ और महाराज के साथ में ये सेवा का सौभाग्य मिला, ये उनकी कृपा है, उन्होंने मुझे ग्रहण किया, ये मेरी कोई बहादुरी नहीं है, ये तो जो उन्होंने मेरे से करवाया मैंने किया। इस प्रकार महाराज जी के साथ जुड़ी हुई सब अनुभूतियां हैं, धीरे धीरे करते करते इस प्रकार सब सब लोगों की कृपा है। महाराज जितने भी सब मेरी नहीं, महाराज जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े, महाराज जी के बहुत सारे शिष्यों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने अनुसार जैसे जैसे बुद्धि होगी तथा उसके अनुसार महाराज जी की सेवा की। इसके लिए सबके सेवा का महाराज अकेले का कोई नहीं, मेरे साथ में बहुत सारे, मैं नाम नहीं ले पाया इतना, बहुत सारे लोगों ने मेरी सहायता की है इसमें महाराज जी के सेवा में योगदान करने के लिए, ये सब महाराज जी कृपा है। आज उनके शताब्दी महोत्सव में मैं भी जो कुछ हमारे से थोड़ा बहुत जो कुछ हुई शारीरिक से सारे तन मन धन से जो कुछ हम लोग समर्पित है महाप्रभु की सेवा में, उन्होंने जो सब पृथ्वी में प्रचार प्रसार किया वो न भूतो न भविष्यति, उनके चरणों में शत शत प्रणाम, और आप सभी टीम को भी हमारा प्रणाम। पंचाकल्प समय है आप, समय है और अभी समय है, आपने अच्छा। को ड्राइव किया, गुरुदेव को बहुत ड्राइव करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गए, गाड़ी में बहुत घुमाया गुरुदेव को, तो ड्राइविंग के समय कोई आपकी उसकी स्मृति, इतना ट्रैवल किया ट्रैवलिंग के समय की कोई स्मृति आपकी वो उससे संबंधित कुछ और बताएं, अभी तो समय है, आप बोलिए महाराज जी, कोई समय की चिंता। अच्छा अभी सुना तो चलो आप याद दिलाते तो मुझे याद आएगा, मुझे याद नहीं जितना याद। एक समय की बात है, हम गोवर्धन में थे और वहां से दाऊ जी का मठ में विग्रह प्रतिष्ठा थी, दाऊ जी के मठ उसमें झेल नहीं थी, झेल में बैठ करके महाराज जी को ले जा रहा था। तो मैं तो महाराज जी पता नहीं, महाराज जी को मुझे ड्राइविंग पसंद, मैं सेफ चलाता था, मैं धीरे चलाता, तेज नहीं चलाता था, ज्यादा तेज नहीं क्योंकि महाराज जी बैठे हैं, मैं जानता हूँ धीरे धीरे चलाना, तेज से ज्यादा जरूरत नहीं है, तो मैं धीरे धीरे चला रहा था महाराज जी गाड़ी, गोवर्धन निकला था। तो महाराज जी को मुझे पता नहीं कि मैं ज्यादा तो नहीं, लंबा ड्राइव तो नहीं गए हम, तो यहाँ से गोवर्धन वृंदावन जाते थे, गोवर्धन वृंदावन जाते थे, कभी इसमें रहते थे तो नंदगांव बरसाना, इधर में परिक्रमा के साथ चलता था। तो जिस समय में वो मुझे बात बड़ी याद आती है कि महाराज जी बोले नहीं भगाओ गाड़ी भगाओ तेज, महाराज मैंने तेज ड्राइव महाराज जी को पसंद है, मुझे पता नहीं था, उसे पहली बार देखा, महाराज बोले भगाओ गाड़ी क्या कर रही, कुछ धीरे धीरे चलता। और महाराज जी सब गाड़ी में जब बैठते थे तो महाराज जब खाते थे तो माधवराज पीछे से खाने के लिए बिस्किट देते, तो महाराज मुझे भी हाथ भी देते, बोला तुम महाराज जी गाड़ी में बैठे हम लोग साथ साथ, तो कभी चना कभी बिस्किट महाराज जी देता, हम भी खाते थे। जिस समय मैं कलकत्ता से एयरपोर्ट में, जिस समय यहाँ से गाड़ी लेके जाता था मैं कलकत्ता, मैंने नवदीप में गाड़ी ले जाता था, नवदीप से कलकत्ता लेके आता था, महाराज जी को एयरपोर्ट में रिसीव करता था, जितनी बार गए यहाँ से गाड़ी लेकर के महाराज जी को, क्योंकि गाड़ी है तो बोले दूसरी गाड़ी में क्यों आएंगे उधर से उधर, वहां पर रहते कलकत्ता की, टाटा सुमो थी गाड़ी, तो महाराज जी को रिसीव करने के लिए मैं कलकत्ता एयरपोर्ट जाता, जितनी बार गया कलकत्ता एयरपोर्ट में महाराज जी रिसीव करने गया, तो महाराज जी तू आ गया तो आ गया, और यहाँ से मुझे प्रेमानपुर जबरदस्त बोले नहीं तू जाना है, मेरे ठीक है प्रेमानपुर, हमें बड़े लोग बोल रहे हमको कोई बात नहीं, तो उनके मेरे अच्छे से नहीं जाता प्रेमानपुर, नहीं जाओ गाड़ी लेके महाराज की जरूरत है वहां पर। और महाराज उनको बड़ी ये अच्छा लगता था कि महाराज वहां पर गाड़ी जब जिधर उधर जाते थे परिक्रमा में, तो महाराज गाड़ी में साथ साथ महाराज जी आते थे गाड़ी में बैठते थे। तो इस प्रकार महाराज जी के साथ में गाड़ी में भी बरसाना में वहां पर हम दूसरे दूसरे चलाते थे गाड़ी में, तो मैं साथ में गाड़ी लेके रह जाता, तो मुझे दूसरी गाड़ी में बहुत कम बैठते थे महाराज जी उस समय, लास्ट तक देखा मैं हमारी गाड़ी में बैठते थे, मुझे चलना पड़ता था इधर उधर में, और मैं जहां भी रहता था हमारे साथ ही रहता, क्योंकि मैं जहाँ साथ रहता हूँ, क्योंकि वो वृंदावन में रहते थे गोपीनाथ भवन में उधर में, तो महाराज ऊपर रहते थे मैं नीचे में, वो गेट की कीपर का भी काम करता था और सबकी मिलने
छोड़ने गाड़ी में भी जैसे यहाँ से कलकत्ता पहली बार गए ऐसे लेकर के तो यहाँ से मोटर से जाना पड़ता था। पहली बार मैं एक साथ ड्राइवर था मुझे तो याद नहीं था नहीं एक बार तुम्हें अकेले लेके कलकत्ता और एक बार यहाँ से जब गया था तो यहाँ से निकलता था सुबह में गाड़ी में लेकर यहाँ गाड़ी लेकर निकला पहुंचता था प्रयाग में स्नान के वाराणसी में रुकता था वाराणसी रुकर के दूसरे सुबह निकलता था काशी विश्वनाथ दर्शन कर सीधा पहुंचता था। तो दो तीन बार में ऐसा ही महाराज जी के जन्म स्थान के बाद में दो तीन चार पांच बार गया था तो महाराज जी सीधा जन्म स्थान पहुंच गया। दो तीन बार गया गाड़ी लेके बोले चलो जाने रास्ते में निकलना है तो मैं पहले से 8-10 दिन पहले से निकलता था मथुरा से तो महाराज जी जन्म स्थान पहुंच जाता। उनके भाई थे भाभी थी उनके भतीजे सब तो बड़े महाराज जी जब पहुंचा तो गया था वहां पर बोले हाँ महाराज जी गया था कौन से रास्ते से गया था वो मोहनिया वो आरा फिरा वो महाराज जी बोला बोले हाँ हाँ मैं वो मोहनिया में मैं उधर में था मेरी ड्यूटी थी उस समय में वहां पर मैं मेरे वहां ड्यूटी थी। अच्छा मुझे महाराज जी बोलते थे अरे तू भी पुलिस में था मैंने ज्यादा बात करते थे महाराज जी हाँ बोला पुलिस में महाराज जी मैं पुलिस में था तो कितना साल था बोले मतलब मैं 3 साल रह जाता मैं भी 3 साल रहा मैं भी 3 साल मैंने भी ज्यादा ड्यूटी नहीं की महाराज जी 1944 में भर्ती हुए थे महाराज जी 1947 में छोड़ दिए और फिर मैंने भी ऐसे 3 साल ट्रेनिंग 3 साल में भी रहा तो महाराज जी बड़े खुश रहते थे महाराज जी के साथ में ऐसी बातें। फिर एक बार ऐसे पार्क में टहलने जा रहा था तो रामचंद्र जी पूछ रहे बोले महाराज जी इसका नाम क्या है उसका नाम बोले इसका नाम पुरंदर क्यों रखा पुरंदर क्या रखा नाम तो महाराज जी कुछ बोले नहीं और सन्यास की बात आती है तो सब लोग दूसरे सन्यास होते थे तो मैं ये मन में ठहरा मैं बोलूंगा सन्यास के लिए मैं अपने तरफ से बोलूंगा नहीं कुछ महाराज सन्यास दो नहीं दो महाराज अगर बोलेंगे तो ना बोलूंगा नहीं मैं अपने मन में सब लोग बोलते थे महाराज जी बोले नहीं नहीं इसको अभी जरूरत नहीं है इसको हमारे साथ में रहना है ड्राइविंग करे तो बोले सन्यास मेरे ड्राइविंग करेगा सब हो जाएगा बाद में। तो इस प्रकार महाराज जी साथ में हंसी मजाक होती थी किंतु हम ज्यादा ऐसा नहीं मैंने किंतु महाराज जी हम डरते नहीं थे क्योंकि बात होती तो महाराज जी हर बात में मुझे बुलाते थे कोई बात हुई कोर्ट की बात में पूछना है वकील साहब के पास जाना है किसी को बुलाना है किसी को कुछ सीक्रेट बात थी वो जाते महाराज जी की सीक्रेट बात होती थी ना एक बात क्या हो महाराज जी माधव महाराज की एक आदत थी वो सब बात महाराज फटो 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 बताते थे और मैं ऐसा था ना ब्रह्मचर्य की कोई कमी नहीं महाराज जी को बताता अगर कोई ज्यादा ही बात हो जाए कोई ज्यादा ही बात हो गया अभी बहुत ऊपर निकल रहे तो महाराज जी को थोड़ा सा बोल दो मेरे साथ तो मुझे सब पता चलता था कि मैं महाराज जी साथ रहते थे इसलिए महाराज जी साथ रहने के कारण मुझे कोई दूसरे लोग डर के मारे मुझे कुछ बोलते नहीं ये हम तो मैं महाराज जी का भाई आदमी आई दूसरे कोई इधर की उधर की बात बोलेंगे नहीं और मेरे से डर के रहते थे सब इसलिए मैं भी गंभीर रहता था मुझे भी क्या बोलने जो महाराज जी आदेश का मैं अपना कोर्ट केस देखता था कंस्ट्रक्शन देखता था और बुक वर्स देखता था कंप्यूटर हमारे पास पहले से महाराज जी ने मेरे हैंडीकैम ला के दी विदेशी हैंडीकैम लाए थे हैंडीकैम मेरे पास पूरे महाराज जी ने बढ़िया कैमरा पहले ला के मैं फोटो खूब करके फोटो खींच करके महाराज सर डीएम के जाए जहाँ जाए पहले मेरे साथ नवदीप की यहाँ की जब विदेश आने से पहले विदेश आने के बाद भी 2-3 साल बाद तक वो सब मैं सब हैंडीकैम करता था वीडियो कट करता था वो भी मेरी वीडियोग्राफी जो की थी वो अब कपूर के पास नवदीप परिक्रमा के महाराज जी की होती थी उसने मुझे कैसेट दिए नहीं वापस अभी तो इस प्रकार महाराज जी की बड़ी कृपा है वो हम मुझे टहलने जाते थे छोटी छोटी बातों की यहाँ पर हम लोग जब रहते थे भिक्षा में भेजते थे हमको महाराज जी भिक्षा में हम लोग पहले महाराज जी यहाँ रहते थे हाथरस में दाल भिक्षा महाराज समझ यहाँ पर द्वादश भिक्षा इच्छा रुद्रपुर में चावल भिक्षा तीर्थ महाराज मैं बनमार सीआर पार्क दिल्ली में जन्माष्टमी के लिए यहाँ से दिल्ली के सीआर पार्क में भिक्षा के लिए बन महाराज एक बार बनमार साथ में गया एक बार तीर्थ महाराज साथ गया दिल्ली सीआर पार्क में हम यहाँ से जन्माष्टमी के लिए भिक्षा के लिए जाते थे तो बन महाराज उससे मैं एक बात आप रामचंद्र प्रभु के घर में रुके थे रामचंद्र प्रभु ज्वाइन नहीं किया अभी नया नया किया 94 का बात होगा 93-94-95 तो उस समय में हम यहाँ से सीआर पार्क में एक बार सीआर पार्क में रहते थे बाद में रामचंद्र प्रभु के घर जो स्टाफ कैलाश में वहां पर है उसमें रामचंद्र पति राम से अलग रहते थे मुझे पता है इस बात रामचंद्र प्रभु के घर में रहकर बन महाराज मैं और दो तीन ब्रह्मचर्य हम सीआर पार्क में चंदा भिक्षा करने के लिए जाते महाराज यहाँ पे क्योंकि उस समय अपना वैभव नहीं था मठ का मतलब मठ की स्टार्टिंग की अवस्था देखी है यहाँ पर बिजली बिल के एक लाइट एक ट्यूबलाइट यहाँ पर लगानी थी मुझे अच्छे से याद है यहाँ पर बाहर में ट्यूबलाइट खराब हुई थी लगाते लगाते क्या हुआ इस समय थोड़ा बहुत बिजली का काम जानता था तो मठ में तो कोई थे नहीं पहले हम खुद ही
लाइट का मीटर का कुछ काम हो गया, बिजली का फेज का कुछ काम हो गया, तो खुद ही लगे रहते थे यहाँ का बल्ब बदल, यहाँ का ट्यूब बदल, यहाँ का फैन लगा के उधर लगा, महाराज जी का कुछ हो गया तो महाराज जी घर में लाइट लगा, ये लगा, यहाँ पर महाराज का रिकॉर्डिंग होता था तो उसका भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जानते तो करते रहते थे। तो इस प्रकार वहां पर एक ट्यूबलाइट खराब हुई थी, तो ट्यूबलाइट खराब करते थे क्या स्पॉट हो गया, महाराज बैठे थे चेयर में, वहां क्या कर रहे हैं, बोले तुमने बिजली का बिल भरेगा, महाराज एक पंखा लगाने चलाने नहीं देते थे, तो स्ट्रिक्ट देखा नहीं महाराज जी का, महाराज जी अगर पंखा चलेगा तो खुद आके बोले बिजली का बिल भरेगा, बिजली का बिल भरेगा गर्मी में, हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग की बात है 93-94 की बात। उसके बाद भी महाराज जी तो मुझे जानता है कि जब बड़ी बड़ी नोटों के बटन लाते, इसको खोल देख लीजिए, ये जानता है, इसको पता है, नोटों के बटन पर पिन लगा के आते थे ना, अच्छा तोड़ना पड़ता था, कभी कभी खोलना पड़ता, थोड़े थोड़े मुझे अभ्यास हो गया था, नोटों के बटन देते थे, क्योंकि पैसा पूरा यहाँ का कंस्ट्रक्शन का दुर्वासा का गोवर्धन का कंस्ट्रक्शन चला था, तो खूब पैसा बांटना पड़ता था महाराज, ठीक है बांटते रहो। इसलिए इस प्रकार महाराज जी के साथ में और मधुर मधुर स्मृति है, आप लोग ने मुझे फिर से याद दिला दी, आपका सब सबको धन्यवाद। महाराज महाराज जी, महाराज जी, मैं गुरुदेव के उस समय जिस समय आप आए, गुरुदेव का शासन बड़ा कठोर था। हाँ, स्टार्टिंग में शासन को जिसने उस समय स्वीकार किया, गुरुदेव ने उनको सबको सारे जगत में प्रकाशित कर दिया। तो गुरुदेव के शासन से संबंधित कोई स्मृति आपको याद आ रही है किसी समय, कभी गुरुदेव का या कोई विशेष आपने कोई दर्शन किया गुरुदेव के, प्रेम प्रेम पूर्वक जैसे हमारे मंगल के लिए किस प्रकार से शासन गुरुदेव के उसके बता रहा हूँ, ठीक है, याद दिलाए तो याद आएगा। महाराज जी मुझे कभी डांटते नहीं थे, कभी नहीं डांटते, उल्टा हाँ अगर अलमारी से महाराज जी की अलमारी की चाबी मेरे पास रहती थी, महाराज जी की अलमारी किताब, महाराज किताब किसी को नहीं देते थे, जबकि किताब का काम अमल कृष्ण माधव प्रिया सब करते थे। तो महाराज जी ने मेरा नाम लिखा था वहां पर, जो महाराज जी की जो किताब की लिस्ट बनाई थी मैंने बनाई, बाद में उसको अल्फाबेटिकल भी बनाई थी मैंने, महाराज जी अभी तक जो किताब नंबरिंग लिखे है वो स्टार्टिंग से पहले मैं किया था, तो नंबरिंग लिखा अल्फाबेटिकल करके कंप्यूटर में कंपोज करके मैं उसका अल्फाबेटिकल बनाया। महाराज जी कोई किताब चाहिए तो मुझे बुलाते थे, किताब उसको पुरंदर बुलाओ, माधो महाराज रहने से तो निकाल के दीजिए, कभी निकाल देते तो मुझे बुलाते, बोला ये किताब कहाँ गया, बोले जिसको किताब चाहिए, अमल कृष्ण को भी किताब किताब के लिए काम करता अमल कृष्ण, बोले बोले इसको भी, बोले पुरंदर को पूछ के भी नहीं एंट्री करना है, किताब भी आपने महाराज किसी को नहीं देते थे किताब, वो एक नोटबुक रखा था, सविता को चाहिए, माधोप्रिय को चाहिए, अमल कृष्ण को चाहिए और किसी को देना है, बोले इसमें नोट करके किताब देना है, नोट वापिस आएगा तो उसको नोट करना है, नहीं तो मेरा मेरा कान पकड़, तो ऐसा कान पकड़ूंगा मैंने ऐसा कान पकड़ूंगा, महाराज जी मजाक में ऐसा ये नहीं, फिर ऐसा कान पकड़ूंगा, पकड़ा भी एक बार और दो बार ऐसा पकड़ा, मैं प्रेम से फिर ऐसा कान पकड़ूंगा, तो किताब किसी को नहीं देने देते मेरे, बोला मैं लेके जाऊँ, बोला ठीक है उसको कोई बात नहीं, उनको जानते मैं पढ़ता रहता था। तो इस प्रकार वो किताब के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट थे, किताब के लाइब्रेरी में। और एक बात, हाँ दूसरी बात क्या है, जिस समय में तो ये मैंने किताब के बारे में बड़े स्ट्रिक्ट थे, तो किताब की मुझे बिल्कुल किसी को चाहिए तो वहां से बिल्कुल लिख करके रखेंगे, और किताब कुछ चाहिए तो मुझे बोलते थे। तो इस प्रकार महाराज जी, और एक बात भूल गया अभी भी याद आई, कोई बात नहीं बाद में, ठीक है ठीक है। आपके साथ में भी आपके वहां प्रोग्राम में भी आया था मैं, आपने जो प्रोग्राम किया था वह बड़ा उसमें हमारे साथ, अच्छा रामचंद्रपुर जिस समय दिल्ली में थे तो उनके घर में वो अकेले रहते थे इधर में स्टॉप कैलाश में। तो एक बार उन्होंने हमको उनके अपने घर में ले गए थे, प्रसाद ब्रह्मचारी आए प्रसाद, और उनको यहाँ पर उनकी पत्नी को बाद में दीक्षा दिलाई थी। तो महाराज जी बड़े ट्रिकी प्रेम से बोलेंगे अंदर, बड़े ट्रिकी चलते थे। तो एक बार क्या हुआ था, यहाँ पर मथुरा में किसी के घर में जाना था, तो महाराज महाराज नहीं 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 जाना है, तो महाराज जी जिद करते हैं, फिर महादेव कपड़े तैयार हो गए, तुरा जाए हम चलते हैं, तो चलो पुरंदर हमारे साथ में चलो। तो इस प्रकार महाराज जी और शासन मैंने मुझे कभी बोलते नहीं थे कुछ, मैंने वहां पर जब किताब के लिए बात करते थे तो परमेश्वरी को ब्रह्मचारी को, अच्छा एक और बात यह याद आई, एक बार क्या हुआ ब्रह्मचारी के आपस में चलते थे, हम लोग ब्रह्मचारी थे, तो
ब्रह्मचर्य नाम ले लूंगा, जो ब्रह्मचर्य ऐसे होते मारते थप्पड़े इधर 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 लात गुस्सा ऐसे चला देते, तो मैं डर के मारे महाराज जी को किया बोल नहीं सकता, तो मैं महाराज से माधव बोलते नहीं नहीं मैं क्या कहता महाराज जी चाटा मारते चाटा इधर मत इधर, मैं महाराज जी इसको तो कुछ होने लगा आपका हाथ दर्द हो, मैं महाराज हाथ पकड़ देता ऐसे हाथ पकड़ लेता था महाराज जी, मैंने महाराज जी का इसके लिए नहीं महाराज नहीं मारी महाराज जी हाथ में दर्द हो गया इसको तो कुछ होने वाला नहीं है इसलिए महाराज जी का मैं हाथ पकड़ लेता, मुझे तो कुछ बोलते दूसरे को कहते माधव पकड़े थे टुल्लु भाई ऐसे ऐसे करेंगे माधव भाई उनके मुझे दुख सा चला मुझे कभी नहीं मैं हाथ पकड़ दो किसी को डांटते हैं कुछ करते हैं तो बताता था। और एक बात, एक बार एक स्त्री थी विदेशी स्त्री महाराज जी के कमरे में थी, तो वो आ गई बोले महाराज जी आपको कुछ पर्सनल बात करनी है, बोला इसको पुरंदर बाहर निकाल, बोला नहीं ये रहेगा तुम बोलो ये रहेगा, इस प्रकार हम लोग बहुत अंदर की गोपन की बात है वो सब पता नहीं कुछ कुछ होती है ऐसे बोलते हैं जब से सबके लिए इधर उधर कुछ अंदर के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें जो इसके भी चलते हैं वो बहुत सारी बातें हैं हमारे साथ में जो महाराज जी एक समझ अंतरंग के रूप में कि महाराज जी जो बात सबके बोलते हैं हम लोग अंदर बैठ करके प्रेमानंद प्रभु माधव महाराज और ये हम लोग सब जानते थे बातें वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की बातें थी, सभी एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता था महाराज जी को स्थान, महाराज जी ये खुद माने इतने एंथुजियास्टिक थे कोर्ट में महाराज जी स्थान करने वाले जाना पड़ेगा हाँ जाऊंगा चलो महाराज जी गांठ एक बार ये वही पावर अपन करनी थी तो कोर्ट में जाना था महाराज जी बोले जाऊंगा मैं, महाराज जी आप यहाँ पर बुलाते हैं हम यह करा देंगे नहीं मैं जाऊंगा चलो वकील के साथ जाना पड़ता था हमारे गजेंद्र बाबू वकील थे उनके पास भी जाना पड़ता है महाराज जी, इस प्रकार उनके पास भी हम लोग लेके जाते थे महाराज जी को, तो महाराज जी हाँ ठीक है जैसे महाराज जी बहुत मारे मैं ये मैं ये देखता था महाराज जी बोलते किसी को मैं बैठने नहीं दूंगा ना मैं बैठूंगा तो इसीलिए महाराज जी का जो एंथुसियास्टिक और जो महाराज जी का सब समय लगे रहने का बात है उस पर महाराज जी इतना सब करते हम तो नहीं करते महाराज मैं तो रिजर्व था मैं सबसे पीछे बैठा रहता था कमरे में किताब लिखना ग्रंथ पढ़ना मेरे ग्रंथ पढ़ना इसका काम रहता महाराज जी कुछ बात कर दे गीता हुई महाराज जी गीता बढ़िया तो हुई इधर आई हमारे बन महाराज भी हमारे साथ में आए मेरे ज्येष्ठ गुरु जय जय अभी हमारे चल रही है पूरा भी हो गया आज एकादशी स्थिति है मथुरा मठ में महाराज जी ने यहाँ 60 साल तक भजन किया इस भजन की मधुस्मृतियां चल रही मधुस्मृतियां चल रही है ये सब आप लोग ने सब आप लोग सब ये सब जगह फैला करके सभी लोगों के जितने हमारे महाराज जी के अनुगत है जितने शिष्य अनुगत जितने प्रेमी है भक्त है और सभी महाराज जी के सभी प्रेमों को हमारे ऊपर आशीर्वाद करें कि ये महाराज जी की जो सब स्मृतियां हैं वो हम लोग ऐसी महाराज जी की सेवा में लगे रहे जन्म जन्मांतर तक हम उनके ऋणी हैं ऋणी रहेंगे और उनके निरंतर सेवा करते रहेंगे यही आप लोग सब कृपा कीजिए। हरे कृष्ण जय जय श्री राधे महाराज बहुत बहुत आपका धन्यवाद आपने समय निकाल करके और आपके जो गुरुदेव के साथ मधुर स्मृतियां हैं वो अपना हृदय खोल करके आपने हृदय खोल करके आपने एक एक मधुर स्मृति को बड़ा सुंदर रूप में आपने बताया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम लोग यूएसए से विष्णु प्रभु और उनके परिवार के साथ होंगे, ये मधुर स्मृति के लिए हमारे विजय प्रभु को हम लोग बहुत बहुत ऋणी हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, ये अभी तक और आगे भी उन्हीं के अनुगत्य में उन्हीं की देखरेख में ये गुरुदेव शिल गुरुदेव की जो मधुर स्मृतियां हैं ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो शिल गुरुपाद पद्म की जय, जय श्री श्री गुरु परंपरा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, एकादशी महामहोत्सव की जय, एकादशी पालनकारी भक्त वृंद की जय, जय श्री श्री केशव जी गौड़िया मठ की जय, जय श्री भक्ति वेदांत वन महाराज जी की जय, जय श्री वेदांत नरसिंह महाराज जी की जय, हमारे प्रभु की जय और हमारे साथ वाले हमारे पायलट प्रभु शशांक प्रभु और जितने हमारे श्रोतागण है आप सब की जय। हरे कृष्णा।